अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम. टुडे आवर सब्जेक्ट इज सोशल स्टडीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. फर्स्ट यू रिसाइट विद मी दुआ फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज. सो स्टूडेंट क्विकली रिसाइट विद मी दुआ फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी जिदनी इल्मा. वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 16, लेसन 4, चैप्टर नेम इज़ सिटी एंड विलेज. सिटी मीन्स शहर एंड विलेज मीन्स गांव. शहर और गांव. सो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर नेम से पता चल रहा है कि आज हमने क्या पढ़ना है. वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स ऑफ सिटी एंड विलेज. हमने आज ये पढ़ेंगे कि सिटी और विलेज की लाइफ स्टाइल्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती है. सो यहाँ पे हम लोग अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सिटीज़ आर वेरी बिग. देयर आर टॉल बिल्डिंग्स, ब्रिक हाउस, फैक्ट्रीज, वाइल्ड रोड, बिग शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज़. There is a great difference in lifestyle among people living in village and cities. Cities have more opportunities available for the people, but village have less opportunities. Students, वैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग आज सिटी और विलेज लाइफ के बारे में लाइफ स्टाइल्स को पढ़ेंगे कि सिटी लाइफ में क्या डिफरेंट है और विलेज लाइफ में क्या. इसी तरह जो लोग सिटीज़ में रहते हैं और विलेज में रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती है. सिटीज़ हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़. सिटीज़ के पास बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं पीपल्स के लिए जो लोग सिटीज़ में रहते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टॉल बिल्डिंग्स, बुलंद इमारतें आपको सिटीज़ में नज़र आएंगी. उसके बाद हैं ब्रिक हाउस, मींस ईंटों का घर, जिसे आप कह सकते हैं बड़े और पक्के मकान जो हैं वो आपको शहर में नज़र आते हैं. देन फैक्ट्रीज़ को उर्दू में कहते हैं कारखाने. तो बहुत सी फैक्ट्रीज़ भी आपको सिटीज़ में नज़र आएंगी. उसके बाद वाइल्ड रोड्स, बड़े और पक्के रोड आपको सिटी में नज़र आते हैं. बिग शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स, ये भी सिटी में मौजूद होती हैं. हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, ये सब फैसिलिटीज़ सिटीज़ में आपको मिलेंगी. City life provide good facilities for education, medical treatment, job opportunities, etc. इन सब फैसिलिटीज़ के साथ साथ सिटी लाइफ में हमें और क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? हमें अच्छी तालीम यानी एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें सिटी लाइफ में मिलती हैं. यानी आपको एजुकेशन के लिए जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी आपको सिटीज़ में मिलेंगी. उसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट सिटी में बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू विलेज. विलेज में भी हॉस्पिटल मौजूद होते हैं बट उनकी फैसिलिटीज़ जो होती हैं सिटी के हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ से कम होती हैं. इसीलिए लोग बहुत से लोग अपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए विलेज से सिटी की तरफ मूव करते हैं, यानी आते हैं जो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में. तो अच्छे हॉस्पिटल जो हैं वो आपको सिटीज़ में मिलेंगे. इसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी फ़र्क है कि विलेज में ज़्यादातर लोग फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे इतनी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी बिज़नेस नहीं करते. वहाँ के लोग फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करते क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होती. तो लोग वहाँ से जॉब के लिए भी सिटी में मूव करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विलेज से ज़्यादा सिटीज़ में मिलती हैं. People living in cities are mostly doing their own business or they are public private servant. City life is very busy. इसी तरह जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो लोग ज़्यादातर अपना खुद का बिजनेस करते हैं. बिजनेस मीन्स खुद का कारोबार चलाते हैं. लाइक आपके अपने पास पास देखा है कि सिटीज़ में आपको बहुत सी मार्केट्स मिलेंगी, शॉप्स नज़र आएंगी, सुपरमार्केट्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, बुक शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं,
रेस्टोरेंट, ये इनके जितने भी लोग हैं ये सब अपना ओन बिजनेस करते हैं, ख़ुद का कारोबार करते हैं। हमारी कंट्री में दो तरह की मैनेजमेंट हैं, गवर्नमेंट मैनेजमेंट एंड प्राइवेट मैनेजमेंट। तो कुछ लोग गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं एंड कुछ लोग प्राइवेटली काम करते हैं। सिटी लाइफ इज़ वेरी बिजी लाइफ, इसी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा सिटी लाइफ में होने की वजह से और ज़्यादातर फैसिलिटीज़ आपको सिटी में मिलने की वजह से सिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा बिजी भी कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू विलेज लाइफ। विलेज लाइफ से ज़्यादा सिटी लाइफ को बिजी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट विलेज लाइफ। अब हम लोग विलेज लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। विलेजेस आर स्मॉल, देयर आर फार अवे फ्रॉम सिटीज़। विलेज जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल मीन्स जो गांव होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। देयर आर फार अवे फ्रॉम सिटीज़ और ये शहरों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। विलेज लाइफ स्टाइल इज़ नॉट एडवांस बट कल्चर एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल आर वेरी वार्म एंड हेल्पफुल। विलेज की लाइफ जो होती है वो सिटी लाइफ की तरह एडवांस नहीं होती, बट वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं और एक दूसरे की बहुत हेल्प भी करते हैं। सेकेंडली, विलेज आर पॉल्यूशन फ्री विच एड अप टू देयर गुड हेल्थ। और दूसरी चीज़ ये कि विलेज की एयर जो होती है वो पॉल्यूशन फ्री होती है, किस वजह से कि वहाँ पर बहुत सी ग्रीन फील्ड्स एंड ट्रीज मौजूद होते हैं और वहाँ पे कोई फैक्ट्री ना होने की वजह से और व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता विलेज में, इसी वजह से वहाँ की एयर जो होती है वो पॉल्यूशन फ्री होती है। बट सिटी की एयर जो होती है वो बहुत पॉल्यूटेड होती है, इसी वजह से जो लोग गांव में रहते हैं उनकी हेल्थ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विलेज में हमें कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं। ग्रीन फील्ड्स एंड ट्रीज़, मड हाउस, एनिमल्स एंड ट्यूब वेल्स। ग्रीन फील्ड्स एंड ट्रीज़, सरसब्ज खेत और बहुत से दरख्त आपको विलेज में मिलेंगे। उसके साथ साथ मड हाउस, मिट्टी का घर। गांव में ज़्यादातर मिट्टी के बने हुए घर होते हैं, जैसे सिटीज़ में ईंटों के घर बने हुए होते हैं, बट विलेज में मिट्टी के घर बनते हैं। एनिमल्स, आपको विलेज में बहुत एनिमल नज़र आएंगे। ट्यूब वेल्स क्या होती है? वो कुआं जिससे नल मींस ट्यूब के ज़रिए पानी निकाला जाता है, किस लिए? फील्ड्स के लिए, यानी जहाँ पे खेत होते हैं, ट्रीज़, प्लांट, उन सब के लिए ट्यूब वेल्स यूज़ की जाती है पानी देने के लिए। द एयर इज़ फ्रेश इन विलेज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रीन फील्ड एंड ट्रीज़। मैंने आपको पहले बताया था कि विलेज की एयर फ्रेश होती है एज़ कम्पेयर टू सिटी एयर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड ट्रीज़। के विलेज में बहुत सारी ग्रीनरी मौजूद होती हैं, फील्ड्स मौजूद होती हैं एंड ट्रीज़, जिसकी वजह से विलेज की एयर बहुत अच्छी और फ्रेश है। पीपल लिविंग इन विलेज आर मोस्टली फार्मर्स। जो लोग विलेज में रहते हैं वो ज़्यादातर किसान होते हैं, फार्मर मीन्स किसान। देयर आल्सो राइज एनिमल फॉर एग, मिल्क एंड मीट। उनके घर में ज़्यादातर एनिमल्स को रखा जाता है, बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग एनिमल्स से क्या हासिल करते हैं? एग्स, मिल्क एंड मीट। तो इसीलिए फार्मर्स के घर पे ज़्यादातर एनिमल्स को रखा जाता है और उनको बढ़ाया जाता है। किस वजह के लिए? कि उन्हें उनसे क्या मिलता है? एग्स मिलते हैं, मिल्क मिलता है एंड मीट मिलता है। सो स्टूडेंट, Here we complete our lesson 4, city and village life. Hey student, I hope you all are understand today's topic. So students, read this chapter at your home and learn the spellings of building, factories, hospitals, private servants and university, and write them on your notebook. आपने ये स्पेलिंग्स याद करनी है घर पे। कौन कौन सी स्पेलिंग्स हैं? बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सर्वेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज़। स्पेलिंग को याद करके आपने क्या करना है? आपने SST की नोटबुक में स्पेलिंग्स को
लिखना है, ठीक है। देर इज़ अ फाइव स्पेलिंग्स, फर्स्ट इज़ बिल्डिंग, टू फैक्ट्री, थ्री हॉस्पिटल, फोर प्राइवेट सर्वेंट एंड फाइव इज़ यूनिवर्सिटीज़। सो स्टूडेंट, आपने ये काम घर पे अच्छे से करना है। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।